प्लीज़ इस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बेल बटन दबाने से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज का वीडियो एक ब्राइडल स्किन केयर वीडियो है। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वुड बी ब्राइड्स को अपने स्किन का कैसे ध्यान रखना चाहिए और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, जो कि वुड बी ब्राइड्स को अपने माइंड में रखना चाहिए और वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मेरा ये वीडियो करने का मेन रीज़न है, मुझे कुछ ब्राइड्स की जो कि वुड बी ब्राइड्स हैं, होने वाली दुल्हन, उनके रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ब्राइडल स्किन केयर पर कुछ वीडियो बनाऊँ। तो मुझे 3 रिक्वेस्ट आई थी, जिनमें से एक की शादी नवंबर में है और 2 की शादी है अपकमिंग मई में। एंड आई एम सो सॉरी, मुझे आप लोगों के नेम याद नहीं है। मुझे नाम देखने के लिए वापस से पूरे कमेंट्स में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मुझे मंथ याद था कि आप लोगों ने मुझसे मंथ शेयर किया था कि वेडिंग कब है। सो दैट्स वाई मैं बता रही हूँ कि 2 की शादी है मई में और 1 की शादी है नवंबर में। तो मई वालों के लिए आई एम सॉरी, बहुत कम टाइम है आपके लिए, बट स्टिल दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। सो, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है, स्टे हाइड्रेटेड, खूब सारा पानी पीइए। और अभी तो समर्स है, तो समर्स में वाटरमेलन, मस्कमेलन, ऐसे अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें खूब खाइए। इससे आपकी स्किन, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और जो स्किन है इसमें नेचुरल ग्लो आएगा। साथ ही साथ इन चीज़ों से कभी भी वेट गेन नहीं होता है, तो आपको वेट गेन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं, वाटरमेलन या फिर मस्कमेलन, खरबूज, इन सारी चीज़ों से आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये आपकी बॉडी और आपके स्किन को परफेक्टली हाइड्रेट करेगा। सेकेंड पॉइंट है, स्लीप प्रॉपरली, कंप्लीट स्लीप लीजिए, कंप्लीट नींद लीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद डेली की होनी ही चाहिए। कम नींद की वजह से आपके स्किन पे बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम नींद की वजह से होती है, इसलिए प्रॉपर नींद लीजिए। थर्ड पॉइंट है, ईट हेल्दी फूड, हेल्दी चीज़ें खाइए, खूब सारे फ्रूट्स, खूब सारी वेजिटेबल्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि खाना नहीं खाना है, खाना भी खाना है, बट ट्राई करिए कि आप जंक फूड या फिर तली हुई चीज़ें इग्नोर करें और खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। इससे आपकी पूरी बॉडी भी टोन्ड रहेगी, बॉडी फिट रहेगी और स्किन में भी बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो आएगा। फोर्थ पॉइंट है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए। इससे आपकी बॉडी टोन रहेगी, बॉडी फिट रहेगी और अगर आपकी बॉडी फिट है, बॉडी एक्सरसाइज कर रही है, तो इनडायरेक्टली उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन मिलती है। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। ये तो थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आई गेस सबको पता होंगे। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि अपनी शादी से एटलीस्ट 1 महीने पहले तक तो अपनी मेकअप किट को प्रिपेयर करके रख ही लीजिए। 1 महीने पहले तक आप सारे मेकअप ट्राई कर लीजिए अपनी स्किन पे, कहीं आपको किसी पर्टिकुलर मेकअप प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं है। ये चीज़ें 1 महीने पहले तक कन्फर्म हो जानी चाहिए, आपकी मेकअप किट रेडी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर 1 महीने पहले आपको किसी पर्टिकुलर मेकअप प्रोडक्ट से अगर कुछ एलर्जी है या कुछ है और वो आपको पता चल गया, तो आपके पास पूरा 1 महीना ना है उसे रिकवर करने के लिए। बट अगर मेन टाइम पर आपको किसी मेकअप प्रोडक्ट से कुछ एलर्जी हो गई, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। इसलिए 1 महीने पहले तक आपकी मेकअप किट जो है, ब्राइडल किट, वो प्रिपेयर हो जानी चाहिए। इसके बाद आप न्यू मेकअप प्रोडक्ट ना ट्राई करें। सिक्स्थ पॉइंट है, वेडिंग से एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले से ही आप अपनी प्रॉपर स्किन केयर स्टार्ट कर दें। प्रॉपर स्किन केयर मतलब अच्छे फेस पैक लगाना, ओवरऑल बॉडी पे ध्यान देना, अच्छी चीज़ें खाना, ज़्यादा धूप में ना जाना, ज़्यादा पल्यूशन में ना जाना। मतलब आपकी माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि अब आपको आपके स्किन का ध्यान देना है, क्योंकि अब आपकी शादी को सिर्फ 2 से 3 महीने ही बाकी हैं। सेवेंथ पॉइंट है, अपनी बॉडी के जो जॉइंट्स और जो ज़्यादा ड्राई पार्ट्स हैं, लाइक आपकी एल्बो हो गई, नी हो गया, हील्स हो गई, ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ड्राई और डार्क होती है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपकी वेडिंग डे तक ये सारे बॉडी पार्ट्स भी परफेक्ट हो जाए।
एट पॉइंट है, अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच की है तो आप 10 दिन में कम से कम एक बार अपने स्किन की क्लींजिंग जरूर करें, भले ही घर पर ही करें, लेकिन 10 दिन में एटलीस्ट एक बार अपने स्किन की प्रॉपर क्लींजिंग जरूर करें। और अगर आपकी एज 25 प्लस है तो आप 2 से 3 दिन के गैप में अपने फेस को हमेशा स्क्रब करें, एक्सफोलिएट करें। इसके लिए आप होममेड स्क्रबर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से जो आपको सूट होता है वो भी यूज कर सकते हैं, बट 2 से 3 दिन में अपने फेस को स्क्रब जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन की जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। और महीने में एक बार प्रॉपर फेशियल करें, पार्लर फेशियल करें, अगर आपकी शादी को 2 से 3 महीने बचे हैं तो। स्किन केयर के साथ साथ हेयर केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों को प्रॉपर हेयर मसाज दें और हफ्ते में 2 बार ही अपने बालों में अच्छे हेयर मास्क लगाएं, जो भी आपको पसंद हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मेंशन कर दूंगी, आप उसमें से कुछ भी देख सकते हैं। बट अपने बालों का भी प्रॉपर ध्यान दें, मसाज और हेयर मास्क कंटिन्यू लगाते रहें। 10th पॉइंट है, डेली आप अपने फेस में कुछ फेस मास्क लगा सकते हैं। जैसे आप बेसन, हल्दी, लेमन और रोज वाटर का फेस मास्क लगा सकते हैं। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो आप मिंट की जो पत्तियां होती है उसे पीस के ओवरनाइट अपने पिंपल पे अप्लाई करके सो सकते हैं। आप चंदन पाउडर और रोज वाटर का फेस मास्क अप्लाई कर सकते हैं। इनके साथ साथ मैंने एक ब्राइडल उपटन भी शेयर किया था, वो भी आप अपने ओवरऑल बॉडी में फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्सफोलिएटर्स भी शेयर किए थे, सारी चीजों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं अपने स्किन के लिए। अगर आप डेली कोई फेस मास्क लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसे कम्प्लीटली ड्राई होने दें। सिर्फ 5 मिनट्स में भी अगर आप अपना फेस क्लीन कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर हम डेली फेस मास्क लगाते हैं और उसे पूरा ड्राई करके अगर धोते हैं तो वो हमारे स्किन में अच्छे इफेक्ट की जगह बैड इफेक्ट भी दिखा सकता है, क्योंकि वो हमारे स्किन से नेचुरल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर आप डेली फेस मास्क यूज करते हैं तो उसे 5 मिनट से ज्यादा अपने फेस पे ना रखें, भले ही वो सूखा हो या ना सूखा हो उसे वॉश कर दें। 11th पॉइंट है, एक गोल मेंटेन करके रखें। एक पेपर में आपको क्या चीजें अपने स्किन में एनहांस करनी है या इम्प्रूव करनी है वो लिख लें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर इन चीजों पे ध्यान देना है। जैसे अगर किसी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, किसी की नीज और एल्बो बहुत ज्यादा डार्क है उस पर अगर ध्यान देना है, किसी की हील्स अगर फटी हुई है उस पर ध्यान देना है, तो ऐसी चीजें अगर आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे तो इससे आपके माइंड में रहेगा कि आपको किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है और आप उन चीजों में प्रॉपर वर्क कर पाएंगे और उन चीजों को ठीक कर पाएंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी वैक्स हो, बॉडी ब्लीच हो, थ्रेडिंग हो या फेशियल हो, शादी से 4 दिन पहले तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए, ताकि अगर इन चीज़ों से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, थ्रेडिंग से कहीं कट लग गया है या कुछ हो गया है, तो 4 दिन सफिशिएंट होते हैं इन चीज़ों को हील करने के लिए और इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। तो इसलिए 4 दिन पहले तक जितने भी आपको पार्लर से रिलेटेड काम है वो सारी चीज़ें कर लें। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन। अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की शादी होने वाली है तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Bye-bye. Follow me on Roposo, Instagram, Google+, and Facebook. मेरा यूजर नेम है प्रीति प्रणव और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है।